The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव किस तरफ है, खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजमूई तौर पर रवाबित कैसे हैं और ये रवाबित क्या बरकरार भी हैं या नहीं, इस सवाल से जरा प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी तस्करा करेंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब ने फिर से वही राग अलापा है कि वो रशिया से तेल की बरामद करने के बारे में गौरव फिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब जहांगीर से साहब, सीनियर साहब तजयाकार हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो हुकूमत की जानिब से इशारा दिया जा रहा है, बाज बड़े जयद सहाफियों की जानिब से इशारा दिया जा रहा है कि खान साहब के जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं वो मुनकता हो गए हैं। जो इतलात थी, जो इस्लामाबाद में मुलाकातों की जो खबरें थी, अब वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसका क्या पस मंजर है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है? जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बची बड़ी शर्मनाक सूरत हाल ये है कि ये सारी सियासी, ये जो जमहूरी कुवतें कहलाती हुई है, इनकी एक ही नुक्ते पर सारे जान निकल रही होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन है, कोई कौन लूजर है, कोई विनर है, कोई इनके पीछे है, कोई नहीं है। ये वाली सूरत हाल है। ये कौन कर रहे हैं जो जमहूरी कहलाते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, कोई हारता है, कोई जीतता है, असेंबली में पहुंचने के ख्वाहिशमंद होते हैं, इकतदार की कुर्सी के मजे लेना चाहते हैं। लेकिन अब आप देखिए तासीर ये देखें कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गई है, अब वो जो है बेबस है, अब वो जो है आपको बेसहारा है और उसके साथ जो बर्ताव करेंगे हम कम है, उसके लॉन्ग मार्च की भी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वो जो अब तो उसके एस्टेब्लिशमेंट में पीछे नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अगर जरा सी जो है हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की किसी से मुलाकात हो जाती है, दूसरा परिवेश मिल जाता है कि ये क्या बात कहती है, क्या बात कहती है, फिर कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी शिद्दत है, ये कौन सा गेम है, ये किस क्या करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा तो फिर ये लेकिन जहांगीर साहब ये जो तमाम तर सिलसिले का आगाज हुआ ये तब से नहीं हुआ गालिबन, जब खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ को की एक्सटेंशन का मुतालबा किया उस वक्त तक जब तक इलेक्शन ना हो जाते, और हमने देखा कि उस वक्त से जो नून लीग का कैंप था इसमें तश्वीश पाई जाती थी कि असर नौ जो खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में राय रखते थे, अगर वो तब्दील हो रही है तो कहीं कोई सूरत हाल तब्दील तो नहीं, और आज अब ये कहा जा रहा है कि जो रवाबित हो रहे थे, जो बैकडोर रवाबित थे, जो रबते जारी थे, जिसमें काफी कुछ कहा जा रहा था, सुना जा रहा था, गिले शिकवे दूर किए जा रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ते जा रहे हैं, तो ये आगाज तो वहां से हुआ था सारा कुछ। नहीं, किसी हद तक इमरान खान साहब एक दो दिन पहले कह रहे थे कि हमारे जो है वो हम बिहाइंड द कर्टेन पसे पर्दा कुछ जो है रहे थे, कुछ शख्सियात के मुजाकरात हुए थे, अहम तरीन शख्सियात, कतलकुम शख्सियात, फैसला सात शख्सियात हो रहे थे, उसको कुछ नतीजा खेज साबित नहीं हुए, लिहाजा जो है वो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर लिहाजा लगा हुआ है कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, पैसे किससे आएगा, रियासत पे आएगा, किससे आएगा, मुल्क पे आएगा, किससे आएगा, हमारी जो है इकतदारी हालत से आएगा। अब ये करते हैं, अगर इनके साथ कोई मीटिंग हो जाए, इनकी हुकूमत के लोगों के साथ एस्टैब्लिशमेंट की किसी भी टॉप ब्रास की मीटिंग हो जाए तो ये जो है बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं ये जो हमारी कामयाबी है। अब ये तनतना एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर ये करा लेकिन जहांगीर साहब कथा कलामी की माजत, माजी में हमने कई बार देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, मुख्तलिफ कायदीन ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाया, लेकिन उसके बाद उनको मुश्किलात भी देखने में आई। इस वक्त जो सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है, खान साहब को जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां जब से जारी हुआ तब से हम देख रहे हैं कि खान साहब की मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके असरात अगर इलेक्शंस के ऊपर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ओवरऑल मुस्बत ही दिखाई दी है। लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत में जो शरीक लोग हैं, ये 15-10 जमाते हैं, ये अच्छी अपनी नेक मालिक हो चुकी थी, ये नेक मालिक नहीं रखती है, इन्होंने नहीं की है, इसके बाद खुद ठीक है, ये इमरान खान के हैं तो साथ हम भी कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है माशाल्लाह डायरेक्ट माशाल्लाह के अंडर अम्ब्रेला काम किया, फिर जो है सबसे पर्दा भी रह के काम किया,
और फिर जो है प्रेशर डालने के लिए उसके खिलाफ बातें भी करते हैं, इंजॉय भी उसके साथ करते हैं, फिर खराब भी करते हैं। ये किस तरह गेम है ये देखें, इस तरह की सियासत नहीं होती। ये पहले फैसला कर रहे हैं कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से इसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इससे बहुत बड़ी आयनी तरमीम की जरूरत है, पूरी चीजें बदलनी होंगी। अभी एक जो है ना सियासी जमातों से क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा सिनेरियो में एक बड़ी सियासी जमात बन के उभरी भी है, और अगर कहा जाए तो इस वक्त जो मुकाबला भी वो 13:1 का मुकाबला नजर आता है वफाक के सतह पर अगर हम देखें तो, क्या एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त राबता ना होना ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो तो तमाम तर सियासी जमातों से, तमाम तर मुल्क के स्टेक होल्डर से कंटिन्यूस राबते में रहती है, रहना भी चाहिए फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान, फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। मजे की बात ये एक तो ये कि राबते में इसलिए रहती कि एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट का भी वो है कि ताकत का चश्मा है, एस्टैब्लिश करती है, अपने आप को मनवाती है, मैदान में भी मजाती है, सियासत में भी उसकी ग्रिप होती है, उसको अलग करके देखना तो बड़ी अजीब की बात है, उससे क्या तरह किया जाए। हाँ होता ही है कभी कभी ये एस्टेब्लिशमेंट मुल्की बफा की सलामते के लिए और कुछ फैसले लेती है और उसको ये ताकत देती है कि ये मुल्की हुई, उस पर बहस हो जाती है, सवाल ये निशान लगता है कि ये लोग कौन होते हैं ये बताएं कि मुल्की बफा के लिए ये कुछ करना है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इन्हीं के जो है ये सब चश्मे से सैराब होते रहेंगे, जाकिर साहब आपकी आवाज ड्रॉप हो रही गालबन अपने आप को मनवाना नहीं। जाकिर साहब आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, अगर जरा आवाज को चेक किया जा सके, क्योंकि बड़ा अहम है कि अगर मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो रवाबित तो यकीनी तौर पे तमाम तर स्टेक होल्डर से होने चाहिए, लेकिन कब किसके किस नौयत के रवाबित हैं ये बड़ा अहम हो जाता है। और अगर मौजूदा सिनेरियो की बात करें जहां पे हम ये देख रहे हैं कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखें तो वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां लेके आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, नून लीग की सफों में भी हम देख रहे हैं कि एक तादाद पाई जाती है जो इस हवाले से तशवीश रखती है स्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर, वो अक्सर लपकुशाई करती है, और दीगर सिनेरियो में भी जो जो सूरत हाल है वो तब्दील होती हुई दिखाई देती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित किसके हैं किसके नहीं ये यहाँ पे इस लिहाज से अहम हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स के साथ साथ जो अपने हामी हैं, जो अपने साथी हैं, उनको अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए भी ये तमाम तर प्रैक्टिस की जाती है। अगर तो जहांगीर साहब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, जहांगीर साहब आप सुन सकते हैं आप हमें? जी जी आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। जी जहांगीर साहब जरा ये फरमाइएगा कि अगर इस मफरूजे के ऊपर बात कर लेते हैं जो इस वक्त अभी कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के तरीके इंसाफ से जो रवाबित थे वो मुनकता हो चुके हैं, चले इस बात को एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लेते हैं, लेकिन इससे नून लीग क्या हासिल कर सकती है, या नून लीग अगर इस बयानिए को एस्टैब्लिश करेगी तो इससे नून लीग को क्या हासिल होगा? सबसे बड़ी बहुत आसान से फॉर्मूला है कि रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये जो भी वो ये समझते हैं कि जो उनकी हालत हुई है जो हुकूमत में जो है जितने अरकान हैं इत्तेहादी हैं वो इसलिए पिटे हैं उनके मुताबिक इसलिए पिटे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की उनको हिमायत हासिल थी इमरान खान को और उसने बड़ी जो है पट्टी लगाई है उनको। अब ये है कि ये तासुर देते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जो ना बहुत पावर का सर चश्मा इनके साथ है, अवाम की तो यहाँ पावर का चश्मा माना नहीं जाता है, यहाँ तो कुवतों को माना जाता है और उन्हीं का तासुर भी दिया जाता है कि हमारे मसल जो है एस्टेब्लिशमेंट से हमारे साथ होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बनाया जाता है। लेकिन जहांगीर साहब एक चीज में जरूर ऐड कीजिएगा कि अगर ये तासुर हुकूमत को है कि एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ है या खान साहब के साथ थी तो खान साहब अपनी हुकूमत से हाथ तो ना धोते, इस वक्त अगर देखें तो
13 जमातों का इत्तेहाद एक तरफ हुकूमत बनाए बैठा है, दूसरी जाने दो या तीन जमातों का जो इत्तेहाद था या चार जमातों का जो इत्तेहाद था जिसने हुकूमत बनाई हुई थी वो इत्तेहाद अब बरकरार नहीं है, और खान साहब की जो हुकूमत चलती हुई दिखाई दे रही थी वो लड़खड़ा के अपने मुद्दत को पूरी कर चुकी। देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट की आप मदद लेते हैं तो कुछ उनका भी एजेंडा होता है, वो भी मुल्क की बका के नाम पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, स्टेप लेते हैं, पॉलिसी अगर नहीं है वो तो पॉलिसियां देते हैं उसका अमल कराते हैं। ये तो कोई ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई पुरस्कारियत तो है नहीं। जब तक जो है वो ऐसा करते रहे होंगे तो अब उन्होंने से ताकत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी ऐसी पॉलिसी ऐसी कोशिशें की जिस वजह से बदगुमानियां पैदा हुई है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है बगावत फैला रहे हैं और आर्मी को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो उसके साथ लपेटी भी जाती है। अच्छा जानी साहब इस पे जरा एक जरूर बात कीजिएगा कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश में है कि एक बड़ा लॉन्ग मार्च रजिस्टर कर सके, हुकूमत को अनस्टेबल कर सके, और उसके लिए माजी में जो हमने देखा कि कोशिश होती नहीं है कि जो हुकूमती जमातें हैं उनके बड़े नाम आमतौर पे तोड़े जाते हैं, अपने साथ मिलाए जाते हैं, क्या हुकूमत को इस वक्त इस बात का खतरा है कि खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए अगर निकले तो हुकूमती जमात के हुकूमती इत्तेहाद के बहुत से नाम हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ सकते हैं? मतलब सिर्फ यही है खौफ है कि अगर ये जो है कोशिश करते हैं कि ये वो वहां बढ़ जाएंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगा और अब पॉपुलैरिटी इनको मिल है मौजूद और स्ट्रांग हो जाएंगी, ये इकतदार में जो है वो पलटाव ला सकते हैं, बदल सकते हैं, इलेक्शन के बगैर भी इलेक्शन पर मजबूर भी कर सकते हैं, ये एक तरफ का है। सर लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत को देखें, दो सीटों की बर्तरी है ना इस मौजूदा हुकूमत के पास, तो अगर नून लीग की अपनी ही क्यादत से या अपनी ही पार्टी से दो या चार लोग या पांच या दस लोग खेमा तब्दील कर लेते हैं और वो कैंप चेंज करके तहरीक इंसाफ के कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं जहां पे शायद इस वक्त उनको अट्रैक्शन भी नजर आ रही हो, शायद आने वाले मुस्तकबिल को सिक्योर भी किया जा सकता है वहां पे जाके, ये तासुर है, तो अगर तो ये हुकूमत इस चीज को निगेट करने के लिए ये तासुर क्रिएट करेगी कि एस्टैब्लिशमेंट के जो इस वक्त जो मामलात हैं वो हुकूमत के हक में ज्यादा नजर आते हैं ना कि अपोजिशन के। देखिए इमरान खान ये बात है कि ये जो लॉन्ग मार्च उस वक्त जो है नतीजा खेज साबित हो सकता है कि उस लॉन्ग मार्च से मुतासिर होकर एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी रहे और पहले जैसे ही इनके इनके साथ एलाय करके मदद करके इनके इकतदार दिला के इसको कामयाब बना के आगे चलाएं तो ये तो इनकी उम्मीद है, लेकिन इसके खतरात क्या है वो यही है कि ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने इतने बदगुमानी फैला दी है, इतना कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का ब्रीच किया है तो अब वो पैदा करना मुश्किल है, लिहाजा लॉन्ग मार्च करते हुए भी लॉन्ग मार्च से तब्दीलियां नहीं आती है, एक ताकत से तब्दीली आती है, लॉन्ग मार्च की अगर रजामंदी हो तो फिर तब्दीली आ जाती है। अरे देखे ना पीछे की ये कहानी तो इसी से जोड़ के कर रहे ना, जमहूरी होते ही है ये तो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च चौंग मार्च कुछ नहीं है, पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है, अगर जो है हमारे पास पसे पड़ते ताकत है हमारे हमारे शोल्डर्स पे तो तब तो कोई उम्मीद है, वरना कोई रिस्क ले ही नहीं रहना, यहाँ पे टूटने दो लोग हैं टूट सकते हैं, जब जो है सैकड़ों टूट रहे हैं इतनी बड़ी मंडी लगी अब क्यों नहीं लग रही है मंडी। सर वो हो सकता है ना कहीं से इशारे का इंतजार हो, क्योंकि अगर अब दो दिन पहले आप भी कह रहे हैं लोग भी कह रहे हैं सर ये तो मफरूजे की बात कर रहा हूँ ना सर मैं तो, क्योंकि अगर दो दिन पहले की बात की जाए तो साबिक मेयर कराची और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक इंटरव्यू में जो बातें कही और उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया कि गालिबन वो हुकूमत से अलहदा होने के बारे में सोच सकते हैं, राहें जुदा कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि शायद फिर हम तहरीक इंसाफ के साथ जो क्या वो मौजूदा पार्टी के साथ भी करने को मजबूर हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि एमक्यूएम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी है ये वो इस वक्त साइज के एतबार से शायद नहीं बट इफेक्टिवनेस के एतबार से बहुत ज्यादा अहम होती दिखाई दे रही है, और हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज होगा कि इन जमातों को अपने साथ जोड़ के रखे। देखें अभी भी बेबसी देखें एमक्यूएम की देखें किसी की भी देखें कि कर सकते हैं, ये जो इनके ऊपर जो सत्ता है ना तारी ये जो सत्ता तारी है जी जी सकते हैं कर सकते हैं, वैसे इलेक्शंस के जो नतीजे उसके बाद तो यकीन तौर पर सत्ता तारी है, मालूम है कि अगर हम इधर से चले जाए अभी वहां से तो खराब हुए हैं उनके, तो अगर इधर से चले जाए तो कहाँ गिरेंगे,
वो भी जो है उसकी उस कदर कीमत के साथ वापस थोड़ी लेंगे। ये भी जरूरत नजरिए जरूरत के तहत ये सियासत होती है कि वो इधर आ जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, उधर चल जाएंगे तो कुछ लूज कर जाएंगे या मिल जाएगा, इसी अधेड़ बुन में है। और मुल्क का जो है वो अधेड़ बुन क्या है, ऐसे पूरा के पूरा जो है उधेड़ा जा रहा है। अच्छा जहांगीर साहब, आपने कहा पॉलिसीज में तब्दीली हुई, खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रिफ्ट हुआ और उसके बाद खान साहब को घर जाना पड़ा, ये एक मफरूजा भी है, इसके बारे में कहा भी जाता है। अब वही एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा गवर्नमेंट भी अपनाती हुई दिखाई दे रही है। रशिया के हवाले से इसहाक डार साहब जो कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि वो रशिया के साथ तिजारत के ख्वाह हैं, वो वहां से तेल लेने के ख्वाहिशमंद हैं और वो हिंदुस्तान से या तो कम कीमत पे या तो उसी बराबरी की कीमत पे रशिया से तेल की बरामदात करेंगे। तो सर, रशिया वाला जो फैक्टर है जिसको मुस्लिम लीग नून अक्सर नौ रद्द करती रही और खान साहब की जगलरी करती रही, अब खुद मुस्लिम लीग नून इस बात का एतराफ कर रही है, ये शायद महसूस करते हुए कि ये जो कदम था खान साहब के लिए या खान साहब की हुकूमत का आखिरी कदम साबित हुआ। देखिए, खान साहब की जो सियासत के तरीकेकार है कि वो चौमुखी खेलते हैं, चार तरफ तलवार चलाते हैं और जो है उनके सामने वाला समझ नहीं पाता है किस वार का जो है किस प्रकार से जवाब दिया जाए। लिहाजा ये भी जो है वो अंधेरे में तलवार ये चला रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती है ना। लेकिन आपको लगता है कि डार साहब ने जो बयान दिया ये रशिया के साथ ये जो मामलात को बेहतर करने का, ताल्लुकात को बेहतर करने का एंड यूएस यूनाइटेड स्टेट से वापसी आने के बाद, ये बयान थोड़ा सा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं नजर आता? आप भी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं भाई, सूटेबल कहाँ है, ये बेड लग के दिन लोग हैं, इनके पास आज कुछ रहा नहीं है। यह हर दिन जो है खिड़की से खोल के देखते हैं कि कोई गैबी ताकत को उतर रहे हैं, कोई फरिश्ते उतर रहे हैं, कोई मदद को मिल जाए और जो है इनका भला हो जाए, इकतदार की कुर्सी में मिल जाए। बुरी हालत में जो है इन्होंने इकतदार लिया, बदनामी ली और क्या ये समझ रहे हैं कि इनको इकतदार मिल सकता है ऐसे हालात में कि जो डिट्रॉयड हो रही है, जो खराब जो है सूरत हाल बन रही है, लेकिन फिर भी चिपके हुए हैं। वो भी जो है उसी बदतरीन हालत में जो है इकतदार हासिल करने के लिए वो भी जान लड़ा रहे हैं। अच्छा जहांगीर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले नून लीग जब इख्तदार से बाहर थी तो ये कहा जाता था कि इस वक्त टेन्योर पूरा करने दिया गया तहरीक इंसाफ को, ये अपनी सियासी मौत खुद मर जाएंगे और फिर नून लीग ने शायद उजलत में खुद हुकूमत संभाली। इसके बाद आज हुकूमत संभालने के बाद जो सूरत हाल नून लीग को सामना है वो भी हम सब देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए भी यही कहा जा रहा है कि अगर तो ये टेन्योर पूरा कर लेती हुकूमत जो 6-8 महीने मजीद इसमें रहते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट की पोजीशन गालिबन और कमजोर हो सकती है मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल का एक ताल्लुक है कि पाकिस्तान में नवंबर के महीने में एक बड़ी तब्दीली होनी है और कहा जा रहा था कि अक्टूबर का जो मंथ है वो बड़ा अहम होने जा रहा है और 10 दिन अब इस महीने के इख्तिताम में रह गए। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले जो 10 दिन, इसमें खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर तो लॉन्ग मार्च का फैसला वो इसी महीने में होना है, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है? भाई देखें, अगर लॉन्ग मार्च तो ये जो ना जो इतना इसको टून दे रहे हैं, किस बात कर दे रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब सिर्फ इनका ये है, इनका ये दोनों पार्टियों का ये यकीन है, ये हुकूमत वालों का, ये इमरान खान का, कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पे हम प्रेशर डालें तो वो अपनी पॉलिसी बदल सकती है, उससे कुछ बातें कर सकती है। तो वो ये एक प्रैक्टिस है कि ये जो बीन पावर कहलाते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं यही है एस्टेब्लिशमेंट को। सर, ये एस्टेब्लिशमेंट को चलाने वाले एस्टेब्लिशमेंट कौन है? देखिए, आप एक तो बहुत लंबे दायरे में आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो मफरूज सर आवाम होगी ना सर, मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ, आप शायद इसको समंदर पार ले गए, लेकिन मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ सर। अगर आवाम की पल्स को एस्टेब्लिशमेंट महसूस करेगी और खान साहब को लगता है कि आवाम इस वक्त उनके साथ है, तो शायद खान साहब इस हवाले से ही हो सकते हैं। तो तक तो कोई हाथ लाते ही नहीं है, वो तो ये देखते हैं कि पल्स जो है ना इकतदार में कौन है और कौन जो है किसकी पल्स पकड़ के जो है वो उसका मेदा चेक किया जा सकता है कि इकतदार की कितनी भूख है, उसी पर फैसले किए जाते हैं। ये आवाम की पल्स तक आज जो है वो 3.5 करोड़ लोग जो हैं डूब रहे हैं, ना डूब रहे हैं, कोई कहता है डूबे तो नहीं है ना, भी अभी डूब ही रहे ना, ऐसे इतनी सख्त सूरत हाल है और आप कह रहे हैं कि आवाम की पल्स के पास होते
तो ये सारी इतनी ऐसी सूरत। तो जानवी साहब, आपको लग रहा है कि अक्टूबर का महीना भी ऐसे गुजर जाएगा कि कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़े इनिशिएटिव होता और कहीं दोनों तरफ से दिख रहा है? एक आर्मी चीफ जाएगा, एक आर्मी चीफ आएगा, वो कुछ गैप थोड़ी हो जाएगा। आर्मी चीफ के बगैर मुल्क थोड़ी काम करेगा। अगर इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये नहीं रहेंगे, कोई भी आएगा, अब किसको सूट करता है, क्या करता है, कैसे सूट करता है, क्या करता है, मुल्क को क्या सूट करता है, ये तो देखें। अगर बड़ा है, अगर आप ये रोक लेंगे, आप ये रोक लेंगे, अगर ये जो ना एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट अगर इस्तेदार चाहे तो आप रोक लेंगे, और ऐसे हालत में कि आपको चार कदम आप आगे बढ़ाते हैं और आठ कदम पीछे हट रहे हैं। जानिए साहब, आखिरी सवाल यकीनी तौर पर बड़ा है, आपने बड़ी सही गुफ्तगू की। हुकूमत अगर चाहे तमाम तर जो माहौल है इसको एक स्टेटमेंट के साथ डिफ्यूज कर सकती है कि वो आज आने वाले आइंदा की जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम जाहिर कर दे, उनका नाम का अनाउंसमेंट कर दे। सर, हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही ये फैसला? इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए? ये भी कंफ्यूजन फैला रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन फैला रहे हैं, ये इसी के अंदर क्योस में, इसी जो है ना इसे इंतजार की फजा में जो है ये रखना चाहते हैं। सर, लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ या आवाम को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के पास क्योंकि ऑप्शन बहुत आसान है कि वो आज नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस कर दें, मौजूदा जो सिनेरियो वो खुद ही मध्यम हो जाएगा, जो गर्द गुबार इस वक्त तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा कहीं? नहीं, सूरत हाल खतरनाक इसलिए है कि ये लोग ये समझते हैं कि इमरान खान हर चीज को स्मैश करने के लिए तैयार है, हर चैलेंज को कबूल करता है और किसी चीज को कबूल सूरत हाल को जो है कबूल करता है, लेकिन जो है चीजों को कबूल नहीं कर रहा है। अगर नए आने वाले के खिलाफ डायरेक्ट एहतजाज करने लगे, वो कहने लगे कि नहीं ये जो ना एप्रोप्रिएट नहीं है, ये आवाम का हमदर्द नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, तो ये खान साहब ने कभी भी जंगी साहब इस तरह से इंस्टीट्यूशन को निशाना नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो तैनाती तकरीरें की जाए वो ऐसे लोगों के साथ की जाए जिनकी करप्शन के हवाले से मामला साफ है। लेके बात कर सकते हैं आर्मी चीफ का, ये लोगों का कोई कैसा है तो ऐसे ऐसे मिजाज दीवानेपन से क्या आप क्या तवक्का रख सकते हैं? ये खौफ मौजूद है, इसलिए जो ये जो ना ग्रे एरिया में सारी चीजें सियासत से लेके फैसले तक जो कोई चीज जो क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी माइंड नहीं है, डिसीजन नहीं है, क्या क्लैरिटी है? जैनी साहब फाइनल कमेंट दे दें, अगले 10 दिन में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है मुख्तसर? भाई देखें, बुनियादी तौर पर तो ये है कि ऐलान हो जाए और ये जो है ना कहीं अंदर जिस तरह का कहा जा रहा है कि यहाँ हमारे सदर मुमलिकत भी कुछ कोशिश कर रहे हैं तो बिहाइंड कहीं ये जो कोई और ना पैदा हो, रद्द अमल ना हो, अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है, कहीं एक लाइन खींच दी जाती है कि इस फैसले को मानना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं और कोई एक खतरा ही है, ठीक हो गया जाएंगे साहब, यकीन तो अभी खतरा है और इस खतरे के असरात के तो पास तो पावर होता है ना, वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लेगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया जाएंगे साहब। प्रोग्राम में हमें ब्रेक शामिल करना है और आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने बड़ी अहम मौजू के ऊपर तमाम तर लोगों की तवज्जो दिलाई, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से मामलात में एस्केप रूट मौजूद होता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ इदारे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद अगर इसकी जद में आए तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा डेंट करते हैं। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखें ज्योग्राफिकल एतबार से, माशी एतबार से, तो मुल्क बड़े सारे महाज पे घिरा हुआ नजर आता है, लेकिन ये जो तमाम तर सूरत हाल है शायद डिफ्यूज हो सकती है। हुकूमत के पास ऑप्शन है, लेकिन हुकूमत अब तक अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से कासिर है तो ये हुकूमत ही बेहतर तौर पे बयान कर सकती है कि हुकूमत ने अब तक ये फैसला क्यों नहीं किया। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद जब हम लौटेंगे तो इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट रही है रशिया के हवाले से तेल की बरामदाद की, वो स्टेटमेंट बड़ी ही दिलचस्प है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और माशी एतबार से पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, एफएटीएफ के इजलास के हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।